पिछले टर्न पे हम लोग सिंगल स्टेज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर देख रहे थे, ठीक है। और हम लोग इसमें से कुछ कंपोनेंट्स, एक हमारा पोटेंशियल डिवाइडर बायस सर्किट है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेबल वे ऑफ बायसिंग होता है। मतलब ऐसे आप बायसिंग करोगे तो पैरामीटर, जो भी आपका पैरामीटर वेरिएशन या फिर टेम्परेचर वेरिएशन होगा, तो उसको आप कंपेंसेट कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा पोटेंशियल डिवाइडर बायस सर्किट है, फिर वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग कपलिंग कैपेसिटर यूज कर रहे थे, ठीक है ना, जिसको हम लोग सी सी से इंडिकेट कर रहे थे। कपलिंग कैपेसिटर को हम लोग सी सबस्क्रिप्ट सी से इंडिकेट कर रहे थे, ठीक है। और इसका काम क्या था, इसका काम था कि हमको डीसी को ब्लॉक करना है, ठीक है ना। डीसी को ब्लॉक क्यों करना है, क्योंकि इनपुट साइड पे एसी को डिस्टर्ब ना करे और आउटपुट साइड पे हमको प्योर एसी मिले, ठीक है ना। हमको डीसी नहीं चाहिए, तो हमको प्योर एसी चाहिए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर का यूज कर रहे हैं, ठीक। तो ये हम लोग कपलिंग कैपेसिटर हो गया, ठीक। ऐसे हमने देखा था बाईपास कैपेसिटर, इसको बोलते हैं एमीटर बाईपास कैपेसिटर, सी सी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है कि आपको एक एसी सिग्नल को एक बाईपास प्रोवाइड करना। बाईपास जानते हो ना, जैसे सड़क होती है उसके बगल से एक बाईपास होता है, ठीक है ना। ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए आप उधर से जा सकते हो, ठीक है। ऐसे इसमें हमने एक बाईपास प्रोवाइड करा है, किसके लिए, एसी के लिए, क्योंकि डीसी को तो ब्लॉक कर देगा, तो डीसी को तो कैपेसिटर जाने नहीं देगा अपने तरफ से, तो क्या जाएगा इसके तरफ से, एसी सिग्नल पास होगा। और हम इसलिए क्यों चाहते हैं कि एसी सिग्नल पास हो, क्योंकि आपको पता है कि हम अगर एसी सिग्नल आरई के थ्रू पास होगा, अगर, ठीक है ना, आरई के थ्रू पास होगा, तो क्या करेगा वो, जो एसी सिग्नल क्या होता है, वेरी करता रहता है, ठीक है ना। हर टाइम इंस्टेंट पे उसकी डिफरेंट वैल्यू होती है, तो क्या करेगा वो, अल्टीमेटली एमिटर करंट को वेरी करेगा, ठीक है ना। तो उससे हमारी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है ना, ऑपरेटिंग पॉइंट की स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो एसी सिग्नल हो कहाँ से पास हो, एक कैपेसिटर के थ्रू पास हो, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं एमिटर बाईपास कैपेसिटर, ठीक है। अब हम लोगों को इसकी एनालिसिस करनी है, तो इसकी एनालिसिस हमने देखा था कि दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो हम देखेंगे डीसी एनालिसिस कैसे करते हैं, तो डीसी में क्या करेंगे, हमारे जितने एसी सिग्नल्स हैं, एसी को हम क्या कर देंगे, एसी सिग्नल को इनएक्टिवेट कर देंगे, ठीक है ना। तो ए वाला जो है आपका, ये था एसी सोर्स लगाई, इनएक्टिवेट हो जाएगा। और आपको पता है डीसी पे क्या होता है, जो कैपेसिटर होता है ना डीसी पे क्या होता है, वो ओपन सर्किट हो जाता है। तो ओपन सर्किट हो जाएगा तो हवा में हो जाएगा, तो इसको तो हम हटा ही देंगे पूरा, ऐसे ही इस साइड को हटा देंगे पूरा, ठीक है, ऐसे ही इस कैपेसिटर को हटा देंगे। तो हमारा सर्किट कैसे बचेगा, ये सिंपल सा ई वाला सर्किट बचेगा, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, इसमें हमने देखा था कि इसमें हम केवीएल जब लगाते हैं तो आ जाता है वीसीसी माइनस आईसीआर से, आउटपुट साइड पे हम केवीएल लगा रहे थे तो ये आ जा रहा था, ठीक है ना। और आपको ये वाला पता है कि जैसे एमीटर करंट जो होता है, एमीटर करंट क्या होता है, बेस करंट और प्लस कलेक्टर करंट होता है, ठीक है ना, ये बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। और आपको पता है बेस करंट ना बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है ना, बेस करंट की जो वैल्यू होती है बहुत स्मॉल होती है। तो इसके इसलिए क्या हम कर सकते हैं ना, कि ये आईई को ना, आईई को हम अप्रोक्सीमेट किस में कर सकते हैं, आईई आईसी के साथ, ठीक है ना, आईसी के साथ। मतलब जो एमिटर करंट होता है ना, बिकॉज आप ऐसे लिख सकते हो, बिकॉज आईबी क्या होता है, आईबी इज वेरी स्मॉल, ठीक है ना, आईबी क्या होता है, बहुत स्मॉल करंट होता है, तो इसलिए हम ये अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, ठीक है। अब जब हम ये अप्रोक्सीमेशन ले रहे थे, उसके बाद हमारा इक्वेशन ये मॉडिफाई हो गया इस वाले फॉर्म में, ठीक है ना, वीसीसी माइनस आईसीआरसी माइनस वीसी माइनस आईसीआरई, ठीक है। अब देखो इसमें से हम लोगों ने हमको आईसी करंट को हमको देखना है, कलेक्टर करंट को, तो हमारा ऐसे आया माइनस वीसीसी माइनस वीसी अपॉन आरसी प्लस आरई और वीसीसी अपॉन आरसी प्लस आरई। तो यहाँ पे ना ये भी आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन एक रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे एम जो है स्लोप है लाइन का, क्या है, माइनस वन अपॉन आरसी प्लस आरई, और सी जो है वीसीसी अपॉन आरसी प्लस आरई, ठीक है। अब एक चीज देखो, इसमें जो आरसी प्लस आरई है, ए है ना आपका, ये वन अपॉन आरसी प्लस आरई है, देखो, ठीक है ना। तो इसमें जो आर सी प्लस आर ई वाला जो कंपोनेंट है ना, बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है, तो एम रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। आपको याद होगा कि जब हम लोग मतलब नॉर्मल एम्पलीफायर एक किए थे, ठीक है ना, तो नॉर्मल एम्पलीफायर में जो एम की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, सिंपली माइनस वन बाई आर सी आया था, ठीक है ना, आपको याद होगा, ठीक है ना, माइनस वन बाई आर सी आया था, ठीक है। तो ये जो आर सी है ना यहाँ पे, इस आर सी प्लस आर ई को ना, आर सी प्लस आर ई को हम लोग ना डीसी रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना, आर डीसी, क्योंकि हम लोग डीसी एनालिसिस में लाए हैं, ठीक है ना। तो इसको हम आर डीसी बोलते हैं, आर डीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर सी प्लस आर ई। तो ये टर्म डिफाइन किया जाता है, डीसी रेजिस्टेंस आर सी प्लस आर ई, ठीक है ना। ये कोई वैसा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट हाँ इस ये आपको आगे समझने में आसानी रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम एम को क्या लिखते हैं, एम को लिखते हैं माइनस वन अपॉन आर डी सी, ठीक है ना, जहाँ पे आर डी सी की वैल्यू क्या है, ऊपर वाला है, ठीक है, ये जो आर सी प्लस आर ई है। अब इस
इस पॉइंट को हम लोग प्लॉट किए, इस लाइन को प्लॉट किए, किस पे प्लॉट किए हम लोग, ए प्लॉट किए हम लोग जो आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का। तो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा आईसी और वीसी के बीच में खींचा जाएगा, ठीक है ना। आईसी आपका वाई एक्सिस पे रहेगा, वीसी आपका एक्स एक्सिस पे रहेगा, ठीक है ना। अब आप कैसे इंटरसेक्ट पॉइंट कैसे लोगे, इंटरसेक्ट पॉइंट लेने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो आपको इसमें आपको देखो क्या है, इस एक्स एक्सिस पे मैं पूछूं आईसी की वैल्यू कितनी है, इस वाले एक्स एक्सिस पे आईसी की वैल्यू कितनी है, तो जीरो है। तो इसमें अगर आईसी आप जीरो पुट कर दोगे, यहाँ पे जीरो अगर रख दोगे आप, तो क्या हो जाएगा, सिंपली वीसीई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, देखो वीसीई की वैल्यू वीसीसी के बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पे वीसीई की वैल्यू वीसीसी के बराबर हो गई, देखो ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग क्या कर दें, y एक्सिस की बात करें, y एक्सिस पे क्या हो जाएगा आपका VCE जीरो हो जाएगा। तो VCE अगर इसमें आप ABCE जीरो रख दोगे तो पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन जीरो हो गया तो IC की वैल्यू क्या आ जाएगी, VCC अपॉन RC प्लस RE, तो VCC अपॉन RC प्लस RE, ठीक है। और ये जो है ना इसका स्लोप इंडिकेट करेगा, ए वाला जो एंगल होगा इसका स्लोप इंडिकेट करेगा, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप होगा क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस वन अपॉन RC प्लस RE, ठीक है ना, RC प्लस RE, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते माइनस वन अपॉन आर डी सी, ठीक है। तो ये आपका स्लोप हो गया, ठीक है। अब देखो ये हमारा तो एसी डीसी एनालिसिस हो गया, ठीक है ना। अब हम एसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अब अगर हम एसी एनालिसिस करना चाहें, एसी एनालिसिस, ठीक है ना, तो एसी एनालिसिस के लिए हम क्या करेंगे, देखो जितने भी डीसी सोर्सेस है ना उनको हम क्या करेंगे, जो भी डीसी है ना आपका डीसी जो है, ठीक है, जो भी डीसी होगा उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, डीसी सोर्सेस को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ठीक है ना। शॉर्ट सर्किट मतलब इनएक्टिवेट हम कर रहे हैं अल्टीमेटली, किसका माइक ऑन है, ठीक है। हाँ, तो डीसी सोर्सेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर रहे हैं। तो शॉर्ट सर्किट से अगर रिप्लेस करेंगे तो हमारा देखो ये जो पूरा सर्किट है हमारा, ये वाला देखो, ये सर्किट को ध्यान से देखो आप लोग, ठीक है। तो इसको अगर मैं कॉपी कर लूं, वेट, इस सर्किट को मैं कॉपी कर लूं, इस सर्किट को मैं कॉपी कर ले रहा हूं पहले, ठीक है। अब देखो मैं अगर एसी एनालिसिस की बात करता हूं ना, देखो ध्यान से, अगर मैं एसी एनालिसिस की बात करता हूँ एसी का, तो हम क्या कह रहे हैं कि डीसी को शॉर्ट सर्किट करना है। तो शॉर्ट आपको कैसे करना है, आपको याद होगा कि जो ए वीसीसी हम लोग लगा रहे हैं ना, ए वीसीसी एक्चुअल में कैसे है, ए वीसीसी ना एक्चुअल में ऐसे होता है, एक हमारा वोल्टेज ऐसे होता है और किसके बीच में होता है, ग्राउंड के बीच में ऐसे कनेक्टेड रहता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग उसको सिंपल वो करने के लिए हम लोग ऐसे लगा देते हैं, ठीक है ना, ऐसे होता है एक्चुअल में, ठीक है, ऐसे होता है एक्चुअल में। तो अगर मैं इसको शॉर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको शॉर्ट करूंगा, इस सोर्स को अगर मैं शॉर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये ना ये जो बैटरी है ना ये हट जाएगी, अब बैटरी हट के कहां है, सीधे सीधे ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा ऐसे, ये होगा ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना, ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, ठीक है। मतलब ये जो R1 और R2 है सीधे किससे कनेक्ट हो गया, ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखो आपको पता है जो एसी के लिए, एसी पे क्या होता है आपका कैपेसिटर जो होता है ना वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है ना। कैपेसिटर एसी के लिए क्या होता है, जो भी कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर वो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। डीसी के लिए क्या होता है, ओपन सर्किट हो जाता है कैपेसिटर, और एसी के लिए शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करता है, ठीक है ना। तो शॉर्ट सर्किट अगर इसको हम करेंगे तो देखो ये कैसे दिखेगा, अगर मैं अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूं तो ऐसे शॉर्ट हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं शॉर्ट कर दूं, यहां पे भी ये शॉर्ट हो जाएगा तो आपका दिखेगा ऐसे, शॉर्ट हो गया, ठीक है। और यहां पे भी अगर मैं शॉर्ट कर दूं इसको, देखो तो आपका ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे अगर एमिटर रेजिस्टेंस के आगे देखो, एमिटर रेजिस्टेंस के पास क्या होगा, एमिटर रेजिस्टेंस के पास ना पैरेलल में एक शॉर्ट सर्किट हो गया, तो फिर तो सारा करंट तो इधर से ही फ्लो हो जाना है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एसी एनालिसिस की बात कर रहे हैं, ध्यान देना है, ठीक है ना। एसी की बात हो रही है, एसी पे ऐसा सर्किट बिहेव करेगा, यानी अब क्या होगा कि जो भी करंट फ्लो होगा ना इस शॉर्ट सर्किट से फ्लो होगा, मतलब आरई के थ्रू, जो एमिटर रेजिस्टेंस है इसके थ्रू कोई करंट ही नहीं फ्लो होगा, तो इस बेकार में लगा हुआ, तो इसको हम हटा देते हैं, तो ये हमारा सारा का सारा करंट किधर से फ्लो हो जाएगा, ये हमारा सारा का सारा करंट
ऐसे फ्लो हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस सर्किट को ना हम थोड़ा सा बना लेते हैं दूसरे तरीके से, ठीक है ना। अभी आपको दिख गया होगा ये यहाँ पे आउटपुट है आपका, सॉरी वी इनपुट है और वहां पे हम लोग आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो अभी सर्किट को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो कैसे दिखेगा। मैं ना पहले देखो सोर्स ले लेता हूँ मैं, ये हमारा सोर्स हो गया, ठीक है ना, ये वी इन हो गया, ठीक है। वी इन देखो, वी इन किसके किसके बीच में कनेक्ट, एक पॉइंट है ग्राउंड के बीच में कनेक्टेड है, तो वी इन ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद देखो यहां से चले हम लोग, अब देखो जो R1 है ना, R1 का एक टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से कनेक्टेड है। देखो R1 का मैं कहूँ कि ये जो ऊपर वाला टर्मिनल है कैसे हो रहा है, देखो इधर से आते हुए सीधे ग्राउंड से कनेक्टेड है। मतलब अगर R1 को मैं बनाना चाहूँ तो कैसे बना सकता हूँ, देखो ध्यान से, R1 को मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसे मैंने कर दिया R1, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा ना, एक टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्टेड है तो इस टर्मिनल को मैं ऐसे कहीं ग्राउंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राउंड से कनेक्टेड है। देखो R1 ऐसे ही तो है, R1 कैसे, देखो R1 का एक टर्मिनल Vin से कनेक्टेड है, R1 है ये, इसका एक टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, Vin से कनेक्टेड है, दूसरा टर्मिनल किससे है, ग्राउंड से कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसे R2 का एक टर्मिनल Vin से कनेक्टेड है, दूसरा ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो हम R2 भी यहाँ ऐसे बना देंगे, हम लोग ऐसे करके R2 भी बना देंगे, ये हो गया हमारा R2, ठीक है। R2 हो गया, देखो यहाँ R1 R2 मेरा बन गया। अब आते हैं ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ऐसे, हमारा ट्रांजिस्टर ऐसे लगा हुआ है इस पे कॉमन एमीटर में, तो कॉमन एमीटर में वैसे ट्रांजिस्टर बना दिए, ठीक है। अब देखो ट्रांजिस्टर का एमीटर है ना, देखो ये एमीटर वाला है, किससे कनेक्टेड, सीधे ग्राउंड से कनेक्टेड, मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर दूं इसको, सीधे ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, ग्राउंड हमने ले लिया नीचे, ठीक है ना, नीचे ये ग्राउंड है, हमने ग्राउंड बना दिया, ठीक है, तो ग्राउंड से कनेक्टेड हो गया, ठीक है, एमीटर टर्मिनल ग्राउंड से। अब मैं पूछूं कलेक्टर का, देखो कलेक्टर कैसे कनेक्टेड है, तो कलेक्टर जो है ना, ये जो कलेक्टर आरसी जो है, कलेक्टर रेजिस्टेंस, इसका एक टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, एक टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्टेड है, और दूसरा टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, देखो अगर मैं कलेक्टर को ड्रॉ करूं तो एक टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्टेड है, ठीक है, और दूसरा टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, देखो इसके ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से, तो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल से आपका ऐसे कनेक्टेड है RC, देखो एक टर्मिनल आपका कलेक्टर से कनेक्ट हो गया, इधर देखो ये RC का एक टर्मिनल कलेक्टर से करंट कनेक्ट हो गया और दूसरा टर्मिनल ग्राउंड से, ऐसे ही देखो एक टर्मिनल ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्टेड है और दूसरा टर्मिनल इसके थ्रू होते हुए ग्राउंड से कनेक्टेड है, ठीक है ना। अब देखो अब आते हैं R0, R0 किसके किसके बीच में कनेक्टेड है, ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से और ग्राउंड के बीच में, तो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से और ग्राउंड के बीच में है R0 कनेक्टेड, ठीक है ना, ऐसे ये आपका R0, ठीक है। अब आउटपुट कहाँ पे ले रहे हो आप, यहीं पे आउटपुट ले रहे हो, R0 पे ही आउटपुट ले रहे हो, V आउट, ठीक है ना, ऐसे करके। तो ये हमारा क्या है, ये जो हमने सर्किट बना दिया, ये क्या है हमारा AC इक्विवेलेंट सर्किट है, क्या है हमारा AC इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, ठीक है, ठीक है। इसमें देखो एसी इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब इसमें केवल एसी सिग्नल है, डीसी आपको कहीं दिखेगा ही नहीं, ठीक है ना। अच्छा एक चीज देखो, अभी आगे हम लोग करने से पहले, जब भी मैं एसी वोल्टेज को लिखने जाऊंगा, देखो जैसे जब भी मैं एसी प्योर एसी की बात करूंगा, ध्यान से सुने इस चीज को, ठीक है ना, जब भी मैं प्योर एसी की बात करूंगा, प्योर एसी की, ठीक है ना, तो हमेशा क्या करूंगा ना, स्मॉल में लिखूंगा वोल्टेज। जैसे मान लो प्योर एसी वोल्टेज लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा वी, स्मॉल में वी है, ठीक है ना, स्मॉल में वी लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब मैं कहूं इनपुट वोल्टेज तो स्मॉल में आई एन लिखूंगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, एक स्मॉल में वी और उसके नीचे स्मॉल में आई एन लिखने का मतलब क्या है, वो प्योर एसी सिग्नल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही मेरे करंट रिप्रेजेंट करना होगा तो स्मॉल में आई करूंगा, आई इन इनपुट करंट हो गया, ठीक है ना, ए हो गया, तो प्योर एसी के लिए मैं ए फॉलो करूंगा, ए नोटेशन फॉलो होगा, ठीक है ना। आगे मैं जितना भी प्योर एसी लिखूंगा वोल्टेज और करंट तो उसी फॉर्म में लिखूंगा प्योर एसी के लिए, ठीक है। और डीसी के लिए मैं क्या करूंगा, अगर मैं डीसी के लिए बात करूं, डीसी के लिए ध्यान से देखो, अगर मैं डीसी के प्योर डीसी की बात करूं, ऐसे लिख लो प्योर डीसी की, तो मैं क्या करूंगा कैपिटल लेटर में लिखूंगा, लिखूंगा वी इनपुट ऐसे, ठीक है ना, और आई इनपुट लिखूंगा ऐसे, आई इनपुट, ठीक है ना, ये प्योर डीसी के लिए है, ठीक है ना। वोल्टेज कैपिटल लेटर में, करंट जो भी पैरामीटर में लिखूंगा वो कैपिटल लेटर्स में लिखूंगा प्योर डीसी के लिए, प्योर एसी के लिए मैं क्या करूंगा सारा कुछ स्मॉल में लिखूंगा, ठीक है। अगर दोनों को मुझे कंबाइन करके लिखना है, ठीक है ना, दोनों को कंबाइन करके लिखना है, मतलब होता क्या है कि आपका जो टोटल ओवरऑल करंट होती है क्या होती है, एसी करंट प्लस डीसी करंट होती है, ठीक है ना। अब मैं जैसे आपसे बोलूं कि एक आपका एम्पलीफायर था, देखो ध्यान से, ये जैसे आपका कहां गए,
ये एम्पलीफायर था, देखो ये एम्पलीफायर है ठीक है ना। अब मैं पूछू इसमें कौन कौन सी करंट फ्लो होगी, मैं पूछू कि ये कलेक्टर में कौन कौन सी करंट होगी, तो पता है आपको कलेक्टर में एक करंट फ्लो होगी, कौन सी करंट, डीसी करंट। किसके वजह से फ्लो होगी, ये जो आपने बाहर से सप्लाई दिया है ठीक है ना, तो उसके वजह से एक तो डीसी करंट फ्लो होगी होगी, लेकिन जैसे ही आपने एक इनपुट सिग्नल अप्लाई किया है एसी टाइप का, तो उसके वजह से तो इससे करंट फ्लो होगी ना। तो एसी और डीसी इसमें दोनों होगा ठीक है ना, एसी सिग्नल प्लस डीसी सिग्नल दोनों होगा। तो उसको मैं लिखूंगा ना, उसको लिखूंगा मैं कैसे, देखो ध्यान से, उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा जिसमें एसी प्लस डीसी दोनों होगा, उसमें मैं सिंपली लिख दूंगा ऐसे वी, जैसे मान लो इनपुट लिखना हो तो वी आई ऐसे लिख दूंगा, कैपिटल वी स्मॉल आई। तो कैपिटल वी स्मॉल आई का मतलब क्या होगा, एसी भी है इसमें और डीसी भी है, मतलब दोनों कंबाइंड है ठीक है ना। ऐसे मेरे को अगर कैपिटल आई स्मॉल आई लिख दूंगा तो इसमें भी क्या है, एसी भी है डीसी भी है दोनों है ठीक है ना। तो ये आपका एसी प्लस डीसी दोनों के लिए ठीक है ना, एसी और डीसी दोनों के इफेक्ट को मैं ऐसे लिखूंगा ठीक है ना। आगे जितना भी लिखूंगा, तो अगर मैं वोल्टेज स्मॉल में वोल्टेज लिखता हूं और उसके नीचे भी आपका स्मॉल में सबस्क्रिप्ट लिखता हूं, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, प्योर एसी वोल्टेज रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल में अगर मैं सब कुछ लिखूं कैपिटल में, तो प्योर डीसी रिप्रेजेंट करता है। एक वोल्टेज एक कैपिटल में लिखूं एक स्मॉल में लिखूं, तो उसमें एसी प्लस डीसी दोनों रिप्रेजेंट करता है ठीक है ना। तो देखो मैं यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ वी इन ठीक है ना, तो ये देखो वी इन स्मॉल में है, वी आउट भी देखो स्मॉल में है, यानी ये प्योर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका प्योर एसी सिग्नल रिप्रेजेंट कर रहा है, एसी रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है। अब देखो तो ये हमारा किसका इक्विवेलेंट होगा, एसी इक्विवेलेंट सर्किट। अब इस चीज को आप ध्यान से देखो, ये आउटपुट पे, ये वाला देखो आउटपुट पे, इसमें दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है ठीक है ना, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है ठीक है। तो इन दोनों के इफेक्ट को ना हम लोग बोलते हैं आर ए सी ठीक है ना। ये दोनों रेजिस्टेंस, किसका माइक ऑन है प्लीज म्यूट करो, कौन है वैष्णवी ठीक है। देखो दोनों के, देखो आरसी और आर नॉट क्या है, एक दूसरे के पैरेलल में है ठीक है ना। तो दोनों का अगर इक्विवेलेंट होगा ना, उसको हम लोग लिखते हैं आर ए सी। तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर नॉट पैरेलल आर सी ठीक है ना, आर नॉट पैरेलल आर सी। ये क्या हो जाएगा, सिंपली ये हो जाएगा आर नॉट टाइम्स आर सी डिवाइडेड बाई आर नॉट प्लस आर सी ठीक है ना। तो इसको लिखते हैं हम लोग ए सी रेजिस्टेंस। ये कौन सा रेजिस्टेंस होता है, ए सी रेजिस्टेंस होता है ठीक है। अब मैं देखो, अभी हमने जो लोड लाइन ड्रॉ किया था ठीक है ना, अभी हमने जो लोड लाइन ड्रॉ किया था ये वाला ठीक है ना, ये जो लोड लाइन ड्रॉ किया था, ये कौन सा लोड लाइन था, ये लोड लाइन था डीसी लोड लाइन। कौन सा लोड लाइन था, डीसी लोड लाइन। हाँ, तो ये डीसी लोड लाइन कैसे ड्रॉ हुआ था, जब हम जब हम केवल डीसी सिग्नल अप्लाई कर रहे थे तो डीसी लोड लाइन था। ऐसे ही मैं एसी एनालिसिस करूंगा ना, तो उस केस में हमको एक मिलेगा एसी लोड लाइन। क्या मिलेगा हमको इस केस में, इस एनालिसिस के बाद, इसके एनालिसिस के बाद मेरे को क्या मिलेगा, एक एसी एसी लोड लाइन, एसी लोड लाइन, एसी लोड लाइन ठीक है ना, एसी लोड लाइन मिलेगा। और इसका मैं बोलूंगा, इस लोड लाइन का अगर मैं स्लोप निकालना चाहूं, स्लोप ठीक है ना, इस लोड लाइन का स्लोप निकालना चाहो, तो आपको याद है डीसी लोड लाइन का स्लोप क्या होता था, माइनस वन अपॉन आर एसी होता था ठीक है ना। तो ऐसे ही आपका माइनस वन अपॉन आर डीसी होता था, वैसे ही आपका एसी लोड लाइन का स्लोप होगा माइनस वन अपॉन आर एसी ठीक है ना। ध्यान से समझो इस चीज को, जो लाइन इस एनालिसिस के बाद मेरे को जो लाइन मिलेगा ठीक है ना, जो लाइन का इक्वेशन मिलेगा, उससे मैं उसमें अगर मैं स्लोप निकालूंगा ना, तो उस स्लोप में क्या आएगा, देखो उस स्लोप में देखो ये क्या आया, आपको सिंपल दिख रहा है ना, आर नॉट और आर सी क्या आया, आपस में पैरेलल में दिख रहा है ठीक है ना। जैसे एक चीज देखो आप, अगर मैं देखो इस सर्किट को ध्यान से, अगर मैं देखो इसमें डीसी लोड लाइन में ड्रॉ कर रहा था ठीक है ना, तो आपको पता है सीरीज में जो चीजें होती है ना, उसमें करंट क्या होता है, सेम होता है। हमने क्या एज्यूम करा था, हमने एज्यूम करा था जो कलेक्टर करंट आरसी में फ्लो हो रहा है ना, वही सेम करंट आरई में भी फ्लो हो रहा है, क्योंकि हमने एज्यूम करा है देखो आई और आईसी क्या है, बराबर है, हमने यहाँ पे एज्यूम किया है ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि आरसी और आरई मतलब डीसी सिग्नल के लिए लगभग क्या है, सीरीज में है, डीसी सिग्नल के लिए है क्या है, सीरीज में है। तो इसीलिए आर डीसी की वैल्यू क्या आ रही थी, देखो यहाँ पे आर डीसी की वैल्यू क्या आ रही थी, आरसी प्लस आर ई आ रही थी ठीक है। लेकिन यही चीज देखो एसी में क्या है, एसी एनालिसिस में हम क्या कर रहे हैं, दिख रहा है आपको आर नॉट और आर सी किसमें है, आर नॉट और आर सी किसमें हो रहे हैं, पैरेलल में हो रहे हैं। तो पैरेलल में हो रहे हैं तो इसीलिए हमारा जो आर ए सी आएगा आर नॉट आर सी अपॉन आर नॉट प्लस आर सी आएगा ठीक है। और स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा माइनस वन अपॉन आर ए सी ठीक है ना। ये हमारा स्लोप हो गया ठीक है ना, ये हमारा स्लोप हो गया किसका, एसी लोड लाइन का ठीक है ना। एसी लोड लाइन का हमारा स्लोप कितना आ जाएगा, माइनस वन अपॉन आर एसी ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो, अब एक चीज चलो देखते हैं हम लोग इसके लिए, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ये जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करा है ना ये वाला, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं।
वाई टू आई नहीं रहा, वेट कंट्रोल बी, आई नीड वन सेकंड, इसको हमको कॉपी करते हैं, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, फिर इसे पे हम लोग पीसी लोड लाइन ड्रॉ किया जाए, कंट्रोल सी, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये देखो डीसी लोड लाइन था, ठीक है ना, डीसी लोड लाइन। ऐसे ही हमारा क्या है, एक हमने अभी क्या निकाला था, हमने जो हमारा एसी सिग्नल है ना, उसके वजह से एक कौन सा लाइन मिलेगा हमको, मिलेगा एक डीसी एसी लोड लाइन मिलेगा, ठीक है। और उस लोड लाइन का ना स्लोप अलग है, ठीक है ना, उस लोड लाइन का स्लोप अलग है, ठीक है। उस लोड लाइन सपोज करो ये हमारा क्या है, ये जो है हमारा, हमने जो अभी ड्रॉ करा ये वाला, ये हमारा क्या है, ये वाला ये है एसी लोड लाइन, एसी लोड लाइन, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं इसका स्लोप बताओ, स्लोप इस लाइन का स्लोप बताओ, ये वाला स्लोप, ठीक है। इस लाइन का जो स्लोप हमने निकाला था, ऐसे स्लोप इसका स्लोप निकाला था, क्या लिखा था, माइनस वन अपॉन आर ए सी, ठीक है ना, ठीक है। तो अगर इसको आप लिखना चाहो अगेन, तो आप लिख सकते हो, जैसे इसको लिखना चाहोगे माइनस वन अपॉन आर ए सी का, तो मतलब क्या हो जाएगा, देखो माइनस हो जाएगा आर आर नॉट आर सी अपॉन आर नॉट प्लस, नहीं वेट 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 वन सेकंड, आपको याद है इसको हम लोग आर ए सी को क्या लिख रहे थे, आर ए सी को लिख रहे थे आर नॉट आर सी अपॉन आर नॉट प्लस आर सी, ये आ जाएगा हमारा माइनस में आर नॉट प्लस आर सी डिवाइडेड बाई आर नॉट आर सी, ठीक है, ये हमारा स्लोप हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो एसी लोड लाइन होता है ना, जो आपको इस चीज को, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है, जो स्लोप होता है ना, स्लोप ऑफ एसी लोड लाइन, ठीक है ना, वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है स्लोप ऑफ डीसी लोड लाइन से, स्लोप ऑफ डीसी लोड लाइन से, ठीक है ना, स्लोप ऑफ एसी लोड लाइन क्या होता है, हमेशा ग्रेटर किससे होता है, स्लोप ऑफ डीसी लोड लाइन, ये आपको हमेशा याद रखना है, इसको एकदम याद कर लो, ठीक है। इसके पीछे का रीजन क्या है, अभी हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो आपको एकदम समझ में आना चाहिए कि जो स्लोप ऑफ क्या है, स्लोप ऑफ आपका एसी लोड लाइन होता है वो किसके होता है, डीसी लोड लाइन से ज्यादा होता है, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये चीज एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास ना दोनों लोड लाइन मिल गए, कौन सी लोड लाइन, एसी लोड लाइन मिल गया, डीसी लोड लाइन मिल गया, ठीक है। अब देखो ना, इसमें भी आपको एक चीज ध्यान रखना कि जो भी एसी लोड लाइन होगा ना, ध्यान से सुन लो इस बात को, जब भी एसी लोड लाइन होगा वो भी किस पॉइंट से पास होगा, वो भी आपका क्यू पॉइंट से ही पास होगा, ध्यान समझो इस चीज को, ये आपका एसी लोड लाइन भी हमेशा किस पॉइंट से पास होगा, क्यू पॉइंट से ही पास होगा। जैसे डीसी लोड लाइन, जैसे हमारा डीसी, हम लोग क्यू पॉइंट कैसे निकाल रहे थे, जहां पे डीसी लोड लाइन बेस करंट को इंटरसेक्ट कर रहा था वो क्या था, हमारा क्यू पॉइंट था। तो जब हम लोग एसी लोड लाइन भी निकालेंगे ना, वो भी हमेशा किससे पास होना चाहिए, वो भी हमेशा क्यू पॉइंट से ही पास होना चाहिए, ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना, क्यू पॉइंट से ए भी चीज यहीं से पास होगा, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं आपसे बोलूं कि आपके पास ये सब कुछ मिल गया, ये जो लोड लाइन मिला है, जो लोड लाइन मिला है कहाँ से मिला है, आपके इस एनालिसिस से मिला है, एसी एनालिसिस से मिला है, ठीक है ना। और डीसी लोड लाइन किससे मिला है हमको, डीसी एनालिसिस से मिला है। अब मेरे को इतना सारा कुछ मिल गया, अब मैं पूछूं कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कौन है, अरे वेट कौन है, गरिमा मिश्रा, रितु गुप्ता, म्यूट करो माइक आप लोग, तेज आवाज होने लगता, ठीक है। तो देखो, अब हमारा क्या था, क्यू पॉइंट, मैंने क्या बोला कि एसी लोड लाइन भी कहां से पास होगा, क्यू पॉइंट से ही होगा, डीसी लोड लाइन भी कहां से पास होगा, क्यू पॉइंट से ही होगा। इंपॉर्टेंट चीज कि स्लोप ऑफ एसी लोड लाइन क्या होगा, हमेशा डीसी लोड लाइन से ज्यादा होगा, ठीक है ना, हमेशा हमेशा ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है ना, हमेशा जो डीसी लोड लाइन से ज्यादा होगा। अब कहोगे सर एसी अगर अप्लाई ही नहीं किया क्या है, तो अगर अप्लाई ही नहीं करोगे तो लोड लाइन ही नहीं होगा ना, अगर मान लो आपने एसी अप्लाई नहीं करा तो लोड लाइन नहीं होगा, ठीक है। अब अगर मान लो कि आपने सब कुछ ड्रॉ कर लिया ऐसा, ठीक है, अब सब कुछ ड्रॉ कर लिया, अब मैं पूछूं आपसे कि
ऐसे एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन बताओ, करंट गेन बताओ, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखो ध्यान से, उसको निकालने के लिए हम लोग सपोज करा है आपको मिल गया ऐसे करके, मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूं, ये जैसे मान लो हमको मिल गया, ठीक है। अब इसमें से मैं कुछ चीजें प्रेस कर लूंगा, हाँ प्रियांशु जी। हाँ सर, नमस्ते सर। हाँ सर, कितना परसेंट कोर्स कवर हो गया भाई तुम्हारा? सर अराउंड 70 के आसपास सर। 70? हाँ सर। 33 बच्चे जुड़े हैं आपके पास? हाँ सर, इसमें सर इतने ही आ पाते हैं सर, मैंने बहुत बार बोला है 35 से ज्यादा नहीं है स्ट्रेंथ आती है इसमें फर्स्ट ईयर में। कौन सी ईयर है? फर्स्ट ईयर है क्या? हाँ सर, फर्स्ट ईयर है। एक अपने ग्रुप में, उन्हीं के ग्रुप में डाल दो, इतनी तीन की अटेंडेंस शॉर्ट हो रही है। हाँ सर, एक नोटिस अपनी तरफ से डाल दो। ठीक है सर, ओके। इन सबका, इसके बाद इन सबका सेशनल कार्ड दो, अभी सही हो जाएंगे सब, सब अटेंड करेंगे। यस सर, चलिए ठीक। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो हम लोग एसी लोड लाइन, ये हमारा रेड वाला कौन सा है? एसी लोड लाइन है, रेड वाला है हमारा, ये हमारा है एसी लोड लाइन। ठीक है, और एसी लोड लाइन का जो हमारा स्लोप आया था क्या था, याद होगा? स्लोप इसका कितना था? -1/-1/ आर एसी। डीसी लोड लाइन का स्लोप कितना आया था? -1/RDC। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपसे बोलूं कि आपको ये सब दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, आपको वोल्टेज या करंट गेन निकालना है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, जब भी आपका, ध्यान से समझो, जब भी आप वोल्टेज अप्लाई करोगे, ठीक है ना, तो वोल्टेज अप्लाई करोगे तो क्या होगा, बेस करंट में चेंज होगा। ठीक है ना, जैसे मान लो आपने सपोज करो कि मतलब कोई वोल्टेज अप्लाई करा, ठीक है ना, तो उसके वजह से क्या होगा, बेस करंट में चेंज होगा। अब इस बेस करंट में चेंज को ना हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो कैसे। इस बेस करंट में चेंज को हम लोग, वेट, कौन सा कलर में, चलो इसे लेते हैं। ठीक है, अब हम बेस करंट जो अप्लाई करेंगे इस पॉइंट पे, जैसे मान लो अगर हमने ऐसे बेस करंट अप्लाई किया, ऐसे मान लो ये हमारा है बेस करंट। ठीक है, अभी बेस करंट जो हमने अप्लाई किया है ना, ठीक है, ये कौन सी लोड लाइन है हमारी? एसी लोड लाइन है। ठीक है ना, ये हमारा है बेस करंट। ठीक है, अभी बेस करंट, जैसे ही ये बेस करंट अप्लाई हुआ है, उसके वजह से क्या होगा आपका, ध्यान से देखो इसको मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, तीन पॉइंट्स मिलेंगे आपका, जहां पे बेस करंट मैक्सिमम हो रहा होगा, जहां पे मिनिमम हो रहा होगा, ऐसे करके। ठीक है ना, ये तीन पॉइंट यहां मिलेंगे, ऐसे ही आपका कलेक्टर करंट के जगह पे तीन पॉइंट ऐसे मिलेंगे, दूसरा करंट आपका होगा, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा है ना, ये कौन सा करंट है? ये हमारा बेस करंट है आईबी। ठीक है ना, देखो मैंने क्या लिखा है, स्मॉल आई स्मॉल बी लिखा है। देखो ध्यान से, ये क्या लिखा है मैंने, स्मॉल आई स्मॉल बी का मतलब एसी करंट है। ठीक है ना, एसी करंट है। ठीक है, तो ये मेरा बेस करंट ऐसे निकल गया। ऐसे ही क्या करूंगा मैं, जब बेस करंट हमने अप्लाई करा तो उसकी वजह से क्या होगा, कलेक्टर करंट चेंज होगा। जब मैंने बेस करंट अप्लाई करूंगा तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरा कलेक्टर करंट चेंज होगा। तो कलेक्टर करंट में चेंज को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, देखो कलेक्टर करंट में मैं चेंज को अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं, वेट, कौन सा कलर है, तो ये देखो क्या होगा, कलेक्टर करंट, जैसे बेस करंट चेंज हुआ वैसे कलेक्टर करंट यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है ना, ऐसे करके ये जो कलेक्टर करंट है क्या है, हम लिखेंगे स्मॉल आई स्मॉल सी। ठीक है ना, कलेक्टर करंट हो गया। ठीक है, अब इसी की वजह से क्या होगा, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज में भी चेंज आएगा। किसमें आएगा? कलेक्टर एमीटर वोल्टेज में भी। ठीक है, अब कलेक्टर एमीटर वोल्टेज में कैसे चेंज होगा, आपको पता है,
हम लोग वेट इसका इक्वेशन लिखे थे, ध्यान से देखो कहाँ गया। देखो यहां से अगर वेट हो गया, देखो मैं यहां से देखो VCE अगर निकालू, यहां से देखो, यहां से अगर मैं इसी इक्वेशन से अगर मैं ऊपर ऐसे कर लू, इससे लिखूं VCE, VCE इक्वल टू क्या हो जाएगा, VCC माइनस ICRC, ठीक है ना, माइनस ICRC माइनस IERE, माइनस IERE, ठीक है ना। अब एक चीज देखो, जैसे जैसे जब कलेक्टर करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, ध्यान से देखो VCE मैं देख रहा हूं, जब कलेक्टर करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, जब कलेक्टर करंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो VCE की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि कलेक्टर करंट माइनस हो रहा है, ठीक है ना। मतलब जब कलेक्टर करंट ज्यादा हो रहा होगा उस टाइम पे क्या हो रहा होगा, VCE कम हो रहा होगा, ठीक है ना। जब कलेक्टर करंट कम हो रहा होगा उस टाइम पे VCE ज्यादा हो रहा होगा, ध्यान से समझो। जब कलेक्टर करंट इसमें इस इक्वेशन में मैं कलेक्टर करंट अगर बढ़ाते जाऊं, जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा VCE की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, लेकिन कलेक्टर करंट को मैं कम करता जाऊंगा VCE की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यानी यानी इसका मतलब क्या है देखो कि कहां गया, हाँ, इसमें देखो जब कलेक्टर करंट मैक्सिमम हो रहा है, देखो कलेक्टर करंट मैक्सिमम कहाँ हो रहा है, देखो कलेक्टर करंट यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, मतलब इस पॉइंट पे कलेक्टर करंट मैक्सिमम हो रहा है, यानी इस पॉइंट पे ये वाला जो पॉइंट है जो सबसे लास्ट वाला है, हम लाइन खींचे हैं, यहाँ पे आपका VCE की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, जहां पे कलेक्टर करंट मैक्सिमम है, यानी आपका इस पॉइंट पे VCE की वैल्यू मिनिमम होगी, ठीक है ना। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, यहाँ पे आपकी VCE की मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है ना। अब जैसे जैसे आपका कलेक्टर करंट कम होता जा रहा है, यहाँ पे देखो क्या है, कलेक्टर करंट मिनिमम है, और किस पॉइंट पे मिनिमम है, यानी इस वाले पॉइंट पे मिनिमम, मतलब ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इस वाले लाइन पे आपका कलेक्टर करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, सॉरी VCE क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब ये आपका कुछ डायग्राम ऐसे बनेगा, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, इस चीज को समझो ध्यान से। ये मैं किसको प्लॉट कर रहा हूं, मैं ये प्लॉट कर रहा हूं VCE को, ठीक है। तो हमको तीनों वेव फॉर्म मिल गए, देखो कौन कौन से वेव फॉर्म मिल गए, हमने इनपुट अप्लाई किया था IV, ठीक है ना, IV हमको क्या मिल गया, उसके वजह से क्या हमको मिल गया, IC मिल गया, प्योर AC सिग्नल कलेक्टर करंट, ठीक है ना, और उसके वजह से मेरे को क्या मिल गया, प्योर आपका यहाँ पे VCE मिल गया, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें करंट गेन कितना होगा, करंट गेन, ठीक है ना, तो करंट गेन आपको पता होगा, करंट गेन कैसे निकालते हैं हम लोग, जहां पे किसकी वैल्यू ज्यादा होती है, जहां पे आपका मतलब करंट गेन का मतलब क्या होगा, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, ठीक है ना। तो अगर मैं करंट गेन निकालना चाहूं तो यहाँ पे जो कॉमन एमीटर होता है उसमें आउटपुट करंट क्या होता है, आपका कलेक्टर करंट आउटपुट करंट होता है, यही तो होता है ना, ये आउटपुट करंट ही तो होता है, ये आउटपुट पे हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, और इनपुट पे हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, बेस करंट अप्लाई करते हैं, ये हमारा इनपुट होता है, ठीक है। मतलब अगर हमको करंट गेन निकालना होगा, ठीक है ना, तो अगर मेरे को करंट गेन निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि आउटपुट करंट मतलब क्या होगा कि चेंज, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट, ठीक है ना। इससे मेरे को क्या मिल जाएगा, देखो मैक्सिमम में से मैं मिनिमम घटाऊंगा ना, तो उससे मेरे को पीक टू पीक वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना, पीक टू पीक मिल जाएगा, मतलब ऊपर से नीचे तक का। जैसे मान लो ये 5 होता और ये होता -5, तो अगर मेरे को मैं क्या करूंगा 5 -5 करूंगा कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली पीक टू पीक वैल्यू है, ठीक है ना, मैक्सिमम आईसी माइनस मिनिमम आईसी डिवाइडेड बाई, देखो बेस करंट है तो आप लिखोगे मैक्सिमम आईबी माइनस मिनिमम आईबी, ठीक है ना, तो इससे मेरे को बेस करंट मिल जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, जितना चेंज कलेक्टर करंट में आपका, जो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि आईसी पीक टू पीक डिवाइडेड बाई आईबी पीक टू पीक, ठीक है ना। इससे आपको क्या हो जाएगा, गेन, तो आप ग्राफ से ही गेन निकाल लोगे, ग्राफ से ही आपको क्या मिल जाएगा, गेन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं पूछू वोल्टेज गेन बता दो, तो वोल्टेज गेन कैसे निकलेगा, ऐसे ही आपका जो भी वोल्टेज होगा वो आउटपुट पे कौन सा वोल्टेज आप ले रहे हो, VCE ले रहे हो आउटपुट पे, ठीक है ना, VCE पीक टू पीक हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय इनपुट पे क्या हो जाएगा, VBE, जो भी आपका बेस इमीटर, जो भी वोल्टेज होगा पीक टू पीक, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा वोल्टेज गेन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस डायग्राम से दोनों दोनों चीज निकाल सकते हो, क्या क्या निकाल सकते हो आप,
वोल्टेज गेन भी निकाल सकते हो, करंट गेन भी निकाल सकते हो। आपको पता है जो पावर गेन होगा ना, पावर गेन क्या होगा, सिंपली दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, करंट गेन टाइम्स वोल्टेज गेन का। ठीक, तो इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग दूसरा तरीका डिस्कस करेंगे गेन निकालने का। ठीक है ना, गेन और भी और सारे पैरामीटर्स कैलकुलेशन का। ठीक है ना, तो आई थिंक अभी सेशन टाइम ओवर होने वाला है, तुरंत ज्वाइन कर लो इसको फिर से दोबारा, तब तक मैं आपका अटेंडेंस सेव कर लेता हूँ।